100 रुपए का। ये देखो गाइस कहाँ का सेब है भाई, ये हिमाचल का सेब देख सकते हो, 100 रुपए का 1.5 किलो। हे गाइस गुड मॉर्निंग, नया व्लॉग नई मॉर्निंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो अभी निकल रहे हैं हम 22 की मार्केट को। 22 की मार्केट को इसलिए निकल रहे हैं, 22 की मार्केट में आज बहुत सारे काम है। एक तो मेरा फ़ोन आप देख सकते हो ये टूट गया है बैक साइड से, इसको चेंज कराना है। और फिर रवि भाई के पास जाना है, उनको हमने कहा था कि जो डिज़ाइन वगैरह का काम था वो देखना है कि प्रोग्रेस कहाँ तक है, क्योंकि हमारे पास 2-3 दिन है, उसके बाद तुरंत निकलना है वापसी घर को और जल्दी जल्दी फिर काम भी निपटाना है। तो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून, जब भी आप ये वीडियो ब्लॉग देख रहे हो, नए वीडियो में नए ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं और रवि भाई तो है नहीं, आज पिंकू भाई है साथ में। रवि भाई गए मामू के यहाँ पे, बोलो मैं वहाँ पे चल जाता हूँ यार साथ में, क्या करना तुम्हारा काम है तुम निपटा दो। मैंने कहा चलो ठीक है हम निकल जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से आज की मॉर्निंग स्टार्ट हो रही है। और अभी आज मौसम थोड़ा क्लाउडली है, हल्की हल्की बारिश लग रही है और ऊपर वही बर्फ़ पड़ रही है। तो चलो फटाफट से निकलते हैं, आगे बस स्टैंड से बस लेते हैं, उसके बाद अभी हम बस का वेट कर रहे हैं, बस यहाँ से आने वाली है। कल के ब्लॉग में ये वाले मंदिर का मैंने सिनेमैटिक शॉट यहाँ पे ऐड किया था, तो यहाँ से जो भी बस आएगी वो हमारे को लेके जाएगी 17 सेक्टर। तो अभी यहाँ से सीधी बस पकड़ के निकलना है 17। बाकी आ गई है एक बस पीछे से, देखते हैं अगर वो जाएगी तो उसमें निकल जाते हैं फटाफट से। और जो अभी भैया के पास यहाँ पे डेटा दिया था रिकवर करने को, देखते हैं वो डेटा आया कि नहीं आया। क्यों भैया हैं अभी निकाल के तो रखा है, बोलो कार्ड वगैरह स्कैन करके रखे हैं, तो इसके बाद चेक मारते हैं कि क्या रिजल्ट निकलता है, जरा फिर बताते हैं आपको क्या बनता है। सो गाइस अभी फोटोशूट हो रहा था, यहाँ पे फोटोशूट हुआ, बाकी रवि भाई और पूरी टीम इधर है। और बाकी अभी ऊपर लाइट गई, अब कहते हैं कि हमारे ही साइड लाइट चलती है, हमारे यहाँ पता है कब लाइट जाती है, जब बर्फ़ पड़ती है तब लाइट जाती है, चंडीगढ़ में बिना बर्फ़ के भी लाइट जा रही है भैया है। तो बाकी मिलते हैं इसके बाद भाई लोगों से, और भैया से हम कल मिलेंगे ना, कल मिलेंगे। और बाकी ये चंडीगढ़ की लोकेशन आप देख सकते हो, इस टाइम पर 22 की मार्केट में है हम, ये चारों साइड 22 की मार्केट है। और इसके बाद हमने जाना है मनी माजरा, सैमसंग केयर से फ़ोन आया था, जो हमने फ़ोन लिया था वो मतलब बन चुका है, तो अभी वहाँ निकलना है इसके बाद, और उसके बाद देखते हैं क्या क्या चलता है। अभी हम सतारा की मार्केट में हैं, और मार्केट में सतारा के बस स्टैंड पे है, बस स्टैंड से अभी हमने जाना है मनी माजरा। जो चुन्नू का फ़ोन था परसों वो बन के रेडी हो चुका है, अब उसको लेने जा रहे हैं। बाकी कुछ सामान वगैरह लिया भी बहुत सारा, मतलब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो बहुत कुछ अपग्रेड होगा अगर हम लाइव स्ट्रीम वगैरह भी करेंगे तो वो भी धाकड़ आने वाली है। तो कर रहे हैं कुछ अच्छे तरीके से, वो आपको बताया कि भाई चले गए बस देखने वहाँ पे मनी माजरा के लिए। तो अभी निकलते हैं फटाफट से वहाँ के लिए, और चुन्नू का फ़ोन लेते हैं सैमसंग केयर से, उन्होंने बताया था कि फ़ोन आपका रेडी आप ले जाओ। हम जा रहे हैं सैमसंग केयर, जो कि चुन्नू का फ़ोन जहाँ पे था उसको लेने, और अभी जस्ट मनी माजरा पहुँचे बस स्टैंड पर से, अभी ऑटो लिया है, ऑटो लेने के बाद अब निकल रहे हैं। तो फटाफट से फ़ोन लेने के बाद उसके बाद वापस आना है, और उसके बाद निकलना है सीधा रूम के लिए, घर के लिए, क्यों थक भी गया, क्यों मेरे को है ना थकान भी काफ़ी हो चुकी है, तो मेरे को हो रही है यार थकान, आप चुन्नू का फ़ोन आ गया यहाँ पे, चुन्नू का फ़ोन ले लिया है जो 2 दिन से दिया था अपनाने के लिए, रेडी होके मिल चुका है। ओके ऑलमोस्ट सारी डिस्प्ले हुई बैक साइड से, ठीक है ओके। सो फाइनली गाइस चुन्नू का फ़ोन रिसीव हो चुका है, और अब नीचे वेट करने को बोला था हमने ऑटो वाले भैया को, कितने टाइम के लिए वो वेट कर रहे हैं तो देखते हैं। ओके अच्छा ऑटो वाले भैया यहीं आ गए थे, मैंने कहा तो लेट हो गए थे, तो फ़ोन रिसीव हो चुका है, सारा कुछ चेक किया, ऑलमोस्ट डन है सब कुछ,
और अब फटाफट से निकलते हैं यहाँ से मनीमाजरा के लिए, मनीमाजरा से सीधा इसके बाद घर को और रूम को। हाँ पकड़ो। तो अभी आ गए थे सैमसंग केयर से फाइनल काम करके, और अभी कुछ मैंने कहा खा लेते हैं, भूख भी लग रही है, तो मैंने कहा यहाँ पे आए भाई ने। भाई यहाँ पे अभी बर्गर बना रहे हैं, ये अभी क्या तेल में तल रहे हैं? हाँ जी, फ्राइड बर्गर है। अच्छा फ्राइड बर्गर, अभी इसको फ्राइड किया जा रहा है ना। हाँ, और ये क्या चीज है आगे? ये आलू टिक्की है। अच्छा आलू टिक्की, ये इसके अंदर जाएगी। और क्या क्या चीजें इसमें पड़ती है? इसमें शेजवान सॉस डलती है, ग्रीन चिली डलती है, नूडल्स डलते हैं, सैलेड डलता है। चलो ठीक है, वो अभी दिखाएंगे हम आपको इसके बाद आगे। बाकी इसके बाद टेस्ट करके बताएंगे कि क्या स्वाद है इसका। ये पड़ रहा है चाट मसाला पड़ा, ये ग्रीन चिली पड़ी, ये शेजवान सॉस पड़ा, टमाटो सॉस, ये सैलेड है। अरे वाह भाई की तो स्वीट ही बहुत मुखी है। बर्गर बनाइए भाई, 5-6-10-12। और ये मैगी? हाँ ये नूडल्स। नूडल्स ओके। ये आलू की टिक्की जो इसके ऊपर पड़ेगी, ये मेयोनीज। ओके कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया चीज है यार, टेस्ट करके बताएंगे। और ये बिल्कुल रेडी है आप देख सकते हो, तो इसके बाद हम टेस्ट करके बताते हैं कैसा है। पिंकू भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। अगर किसी ने खाना हो तो भाई कहाँ पे है? मनीमाजरा बस स्टैंड FR के सामने। बिल्कुल आ जाओ मनीमाजरा बस स्टैंड FR के सामने चंडीगढ़। क्या प्राइस है इसका? 15 रुपए। सिर्फ 15 रुपए में आपको इतना टेस्टी बर्गर खाने को मिलेगा, शाम को देख लेना। तो ठीक है ओके, तो भाई के पास आया, अच्छा था भाई, मजा आ गया। के पास दो चीजें तो टेस्ट कर ली, अब सूप बचा था, क्यों ना इसको भी टेस्ट करके चला ही जाए। क्यों दोस्तों, अभी फाइनली हमारे साथ रवि भाई आ चुके हैं, और अभी अभी हम आए हैं, क्या कहाँ से आए थे हम, कहाँ था इसका फोन दिया बनाने को हमने? मनीमाजरा। मनीमाजरा में उसका फोन बनाने को दिया था, वो फोन बनाने के बाद अभी पहुंचे बस स्टैंड पहुंचने के बाद मैंने कहा रवि भाई अभी जस्ट पहुंचे रूम से, मैंने कहा चलो ठीक है। अब इसके बाद हरमन भाई आ रहे हैं, जिनसे हमने ये कैमरा खरीदा था, जिसके थ्रू आप मेरे को देख रहे हो ना, अभी उनसे भी मैं आपको मिलाता हूं। बाकी पिंकू भाई गया उधर आगे को, और उसके बाद मिलके थोड़ी देर में ब्लॉग को आज के खत्म कर देंगे, है ना। बहुत लंबा हो गया ऐसे भी आज, है ना। क्या जुगाड़ पे चलता है, आगे बाइक पीछे ठेला, बंदे बिठा के ले रहा है बंदा नहीं। तो गाइज अभी हमारे साथ है हरमन भाई, जिस क्वालिटी से आप इस टाइम पे मेरे को देख रहे हो, जिससे मेरे साथ देख रहे हो, ये इन्होंने ही मतलब इनसे ही हमने बाय किया था, ये मतलब करता धरता है, समझ रहे हो। तो हरमन भाई मार को अभी मिले, ठीक है, बड़े टाइम के बाद मतलब इनसे बात हो गई थी, मतलब 6-7 मंथ हो चुके हैं, साल हो चुकी है, बट मिले आज हम पहली बार। हाँ किसी ने, अगर आपको आपने अगर कैमरा वगैरह खरीदना, हरमन भाई का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाओ चेक करो, जब मर्जी आप देख रहे हो, आज देख रहे हो, 1 साल बाद देख रहे हो, 2 दिन के बाद, जब मर्जी वीडियो देख रहे हो, जाओ डिस्क्रिप्शन में, हरमन भाई को कॉल करो, मेरा नाम बोलोगे डिस्काउंट मिलेगा ना, डिस्काउंट है ना, बिल्कुल मिलेगा, है ना। चलो ठीक है फिर, है ना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना, किया होगा ऐसे तो पता है यार, ठीक है। बाकी भैया फोटोग्राफर है भैया हमारे साथ, तो बहुत अच्छी अच्छी फोटो लेते हैं, मिलाएगा आपको अभी कोई, है ना। चलो ठीक है गाइस, मिलते हैं आगे, अब इसके बाद घर निकलते हैं, घर निकल के फिर खत्म करते हैं व्लॉग को। 100 रुपए का 1.5 किलो। 100 रुपए का? ये देखो गाइस कहाँ का सेब है भाई, ये हिमाचल का सेब देख सकते हो, 100 रुपए का 1.5 किलो। 1 किलो कितने का है? 70 रुपए किलो। अच्छा भाई ठीक है, ये सेब देख सकते हो। आई होप दोस्तों अगर आपने व्लॉग को यहाँ तक देख दिया है, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और इस तरह के और अपडेट पाने के लिए, इस तरह के अगर आप और व्लॉग चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं इस तरह के कोई नेक्स्ट वीडियो में, तो ठीक है, थैंक्स टू वॉच, ओके बाय बाय फ्रेंड्स।